अगर आप पैरट्स रखना चाह रहे हैं तो आप पैरट्स के नशोक में न्यू दाखिल हुए हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम किस कैटेगरी के पैरट्स से पहले लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी क्या क्या उनकी केयर होती है, किस पैरट्स की कितनी केयर होती है, उनको कैसे मेंटेन करना है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को आपने कोई भी हिस्सा मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल पैरट वर्ल्ड जीएम को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने का आपको यह फायदा होगा कि अगर मैं कोई भी नए टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नंबर वन पर बात करते हैं, अब के हम पैरट से ख़रीदना चाह रहे हैं तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम किस बर्ड से किस कैटेगरी के पैरट से शुरू करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, या हम घर में रखना चाहें तो हम किस पैरट से अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएँ, या हम किस पैरट को लेकर आएँ तो हमें ज़्यादा मुनाफा, हमें पहली बार हम किस बर्ड से स्टार्टिंग करें। तो दोस्तों, नंबर वन पर तो मैं आपको यही टॉपिक के बारे में बताऊंगा और बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी केयर किस पैरट के लिए हमें कितनी कितनी केयर की ज़रूरत होती है। तो पहले हम बात करेंगे कि हमें अपना बिजनेस किस कैटेगरी के पैरट से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप पैरट्स के शौक में न्यू दाखिल हुए हैं, मतलब आप बर्ड्स को इनकी पहचानने में या बर्ड्स के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हैं, मतलब अनाड़ी का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल पता नहीं है ये कौन फीमेल होती है और मेल इसमें कौन सा है, तो बर्ड्स की आपको अच्छी तरह से पहचान भी नहीं है, स्टार्टिंग में ही बड़ी छलांग लगा देंगे। मसलन कोकटे ले आए आप, होगरोमो भी ले आए आपने, ऐसे तकरीबन लटीनो, कोकटेल, लव बर्ड, फिशर से अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो अगर आपने स्टार्टिंग की है तो अगर आपको पता नहीं है, अब आपको स्टार्टिंग की है आपने पता नहीं है तो इसमें आप यकीनन आपको इसमें लॉस होगा। जब आपको लॉस होगा तो वो लॉस भी दोस्तों आपको हज़ारों में होगा। तो जब वो लॉस होगा आपका बर्ड से इतबार उठ जाएगा कि यार मैंने नहीं ये करना, क्या ये हमें उतना नुकसान दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन पैर से अगर आप करेंगे, ये छोटा दोस्तों छोटे लेवल का ये मतलब बिजनेस है, आप इससे एक्सपीरियंस करेंगे, आप साल 1.5 साल इसको रखें ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के, तो दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलियन पैरट्स से ऐसे ऐसे आपको इसमें चीज़ें पता लगेगी कि जो आप मतलब फ़र्ज़ कीजिए अगर आप बड़े पैरट भी लेकर आते हैं तो आपको वो नुकसान से बचा देंगे। आपको पहले ऑस्ट्रेलियन पैरट्स आपने रखे होंगे, आपको 70% आपको एक्सपीरियंस पैरट का हो चुका होगा साल या 1.5 साल में। साल में दोस्तों एक्सपीरियंस इसका बन जाता है। तो अगर मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप कोकटेल होगरोमो तब लेकर आएँ जब आपको बर्ड्स की पहचान है, आप बर्ड्स को अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हो, आप केयर भी उसकी अच्छी तरह से कर सकते हो। तो न्यू दाखिल हो रहे हो मगर आपको पता है, थोड़ा बहुत पता है कि हम पैर से लेकर आएँ, आपको फ़ीमेल मेल के बारे में पता है, इनको कैसे मेंटेन रखना है, कैसे इनको ब्रीड लेनी है, कब मटकी उतारनी है, कब लगानी है, फिर आप ले आ सकते हैं। आप जब आपको ये चीज़ें पता है तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आप लव बर्ड, लटीनो, इनसे आप शुरू करें। फिशर हो गए, लव बर्ड, लटीनो से आप दोस्तों स्टार्टिंग करें। आप कोकटेल ना लेकर आएँ शुरू में, कोकटेल ज़्यादा टाइम लगाता है ब्रीड करने में और ये बहुत ही प्राइवेसी कोकटेल मानता है। तो आप लटीनो, फिशर, ये हो गए, ये आप ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के एग्जीबिशन भी ले सकते हैं, उनमें किंग साइज, अंडर साइज भी ये मिलते हैं, आप वो भी ले आ सकते हैं। तो आप अगर शौक में दाखिल हो रहे हैं तो आपको पता है, तो फिर आप लव, लटीनो, फिशर ये लेकर आएंगे तो दोस्तों आपको यकीनन इसका फ़ायदा होगा। तो अगर आपको बर्ड्स रखे भी हैं और आपको पता भी है, आपने अगर पहले रखे थे अब छोड़ दिया तो आप सोच में पड़ गए हैं कि यार हम अब किससे पैरट से की बिजनेस के हवाले से हम किससे शुरू करेंगे, तो दोस्तों आपकी मर्जी है। अगर आप पैरट्स के शौक में
आपको इनका पता है 100%। अगर पता है आपको, कम से कम बता दूँ, अगर आपको 70% भी बर्ड्स का पता है तो आप जो बर्ड्स को चाहे आप उनमें खरीद के आप यकीनन उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप बर्ड्स के शौक में न्यू दाखिल हुए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑस्ट्रेलियन पैरट से ही शुरू करें। अगर आप ऑस्ट्रेलियन पैरट में खुदा ना खास्ता आपको कोई लॉस होता है तो वो लॉस आपका 100 का हो गया, 200 का हो गया, 300 का हो गया, 500, 1000, इतना आपका लॉस होगा। अगर आप पहले ही आप स्टेप में ऊपर चले जाते हो, मतलब कोकटेल ले लिया आपने, लटीनो महंगे में ले लिए, अल्बाइनो के आपने ले लिए, तो अगर आपको उसमें लॉस होगा तो आपका डील पैरट से उठ जाएगा। तो दोस्तों आप सेलिंग पैरट से ही शुरू करें, आपको इसमें बहुत प्रॉफिट होगी। तो आप साल डेढ़ साल इसको रखें, या आपको 3-4 माह, आप 3-4 ब्रीडें भी आप इनसे ले सके, फिर आप आस्ता आस्ता इनसे दोस्तों आपने ऊपर जाना। पहले नहीं कि ऊपर से आए, जब आप शुरू करेंगे तो दोस्तों अगर आपको लॉस होगा तो आप ऊपर से गिरेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा झटका इसका महसूस होगा। तो आपने आस्ता आस्ता छोटे 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 पैरट से शुरू करेंगे तो आस्ता 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 आप ऊपर चले जाएंगे। आप पैरट्स के शौक में इतना अंदर तक चले जाएंगे कि आपको पैरट्स की हर एक मूवमेंट का पता चल जाएगा। फिर आप जो पैरट्स रखेंगे आपको वही पैरट से फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो अब बात कर ले रहे हैं दूसरे नंबर पर कि बर्ड्स की कौन सा बर्ड्स कितनी केयर लेता है और क्या क्या उनको ज़रूरियात होती है फूड के हवाले से और दूसरे सीड मिक्स के हवाले से। तो दोस्तों अगर सेलिन पैरट्स की बात की जाए तो इनको इतनी सॉफ्ट फूड की ज़रूरत नहीं होती, इनको तब सॉफ्ट फूड की ज़रूरत होती है जब इन्होंने बच्चे निकाले होते हैं। जब इन्होंने बच्चे निकाले होते हैं तो हम इनको जब सॉफ्ट फूड देंगे काफ़ी इकसाम का, तो जब वो बच्चों को खिलाएंगे तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और ऑस्ट्रेलियन पैरट्स दोस्तों बहुत ही केयर फ्री पैरट्स हैं, इनकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। और बात की जाए लटीनो, अल्बिनो, अल्बाइनो और फिशर हो गए, लव बर्ड हो गए, इन इकसाम में दोस्तों इनकी भी इतनी केयर हमको नहीं करनी पड़ती। जब लव बर्ड हो गए, लटीनो, इसको हमें चाहे इन्होंने बच्चे दिए हों या अंडे दिए हों या हमें इन्होंने कुछ ना दिया, तो दोस्तों हमें इनको प्रॉपर सॉफ्ट फूड देना होता है। एक दिन छोड़ के दे लें या आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन छोड़ लें, आप इनको सॉफ्ट फूड लाजमी देना पड़ता है, क्योंकि ये सॉफ्ट फूड के बहुत ही ज़्यादा शौकीन परिंदे होते हैं। और जैसा आगे बात कर लेते हैं कि कोकटेल, कोकटेल में काफ़ी इकसाम है, आप इसमें भी इनको भी सॉफ्ट फूड की दोस्तों अच्छे से ज़रूरत होती है। जब कोकटेल अपने बच्चे निकालता है तो वो ज़्यादा 70% अपने बच्चे सॉफ्ट फूड पर पालता है, सॉफ्ट फूड पे पालने में वो खुश रहते हैं। जब आप कोकटेल को सॉफ्ट फूड नहीं देंगे, जब वो बच्चे निकाले होंगे तो इन्होंने तो दोस्तों वो अपने बच्चों को मार देगा, उनकी इतनी अच्छी हेल्थ नहीं होगी, वो बच्चे आगे सरवाइव करने के लायक नहीं होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी हो लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। अगर अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।